कुछ ही दिन बचे हैं, इस बार होली पर घर आऊंगा। टाट एस्बेस्टर का घर पुराना हो गया है, एक नया घर भी बनवाएंगे। ये आवाज थी संदीप निषाद की, जिसने अपनी पत्नी, पिता और बड़े भाई को होली पर घर आने का वादा किया था। प्रयागराज हत्याकांड में उमेश पाल के सामने ढाल की तरह खड़े रहने वाले बॉडीगार्ड संदीप निषाद काफी समय से उनके साथ थे। इतना ही नहीं, राजू पाल हत्या मामले में गवाह भी थे। जिस समय उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया जा रहा था, संदीप निषाद उनके साथ थे। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, लेकिन संदीप वहां से भागे नहीं। उन्हें कई गोलियां लगी और आखिर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। संदीप आजमगढ़ के अहरोला वसईपुर गांव के रहने वाले थे। जिस होली पर घर आने का वादा किया था, उस होली से महज कुछ दिन पहले उनकी लाश आई। आज पूरे घर में मातम पसरा हुआ है। घर में अकेले कमाने वाला था संदीप। बड़े भाई फरीदाबाद में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। जितना कमाते हैं उससे अपना ही पूरा नहीं पड़ता। घर की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार की माली हालत क्या होगी। संदीप की पत्नी महज 25 साल की है, आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। आज वो अपनी किस्मत को रो रही हैं और कह रही हैं कि पूरी जिंदगी कैसे कटेगी। संदीप के पिता करीब 75 साल के हैं। चेहरे की झुर्रियां बता रही हैं कि जिंदगी आज तक कैसी कटी होगी। अब आंखों का पानी मर चुका है। 75 साल की बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम नहीं जो जवान बेटे के शव का भार उठा सके। महिलाएं तो रो भी लेती हैं, लेकिन एक पिता रो देगा तो घर कौन संभालेगा। संदीप के पिता इंसाफ मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हश्र मेरे बेटे का हुआ, वही हश्र उन दरिंदों के साथ भी होना चाहिए जो इन आंसुओं के लिए जिम्मेदार हैं। संदीप के पिता संतराम निषाद को अपनी बहू की फिक्र है, इसीलिए सरकार से एक नौकरी, एक घर की मांग कर रहे हैं। बेटा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन आगे की जिंदगी भी तो है। हमको नौकरी मिल जाए, मुआवजा मिल जाए, मकान मिल जाए, और तभी मेरा संतुष्टि। जिस तरह मेरा बेटा बलिदान हुआ है, उसी तरह बलिदान करवाना चाहिए जी, तभी मुझको शांति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर जी अपराधियों को मार गिराया जाए जी, इससे आप स्वस्थ हैं जी। आज मंत्री जी आए आपके जी, तो बेटा मेरा चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा, ये दो बेटा रह गया, बड़ा वाला छोटा वाला। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।